Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. पहले जो वीडियो थी वो कट कर दी थी मैंने. अब ये लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट हो गया हमारा. तो लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट लेक्चर नंबर 6 में कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया. एक्सरसाइज है हमारी 1.2. इसमें कह रहा है जी कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये जो सारी मैट्रिसेस दी हुई हैं इसमें से आपने आइडेंटिफाई करनी है स्क्वायर मैट्रिसेस कौन कौन सी हैं, रेक्टेंगुलर कौन कौन सी हैं, इनमें से रो मैट्रिसेस कौन कौन सी हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन कौन सी हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं और नल मैट्रिसेस कौन कौन सी हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. अब देखते हैं इन सब में से पहले स्क्वायर मैट्रिसेस जो है वो कौन कौन सी हैं. स्क्वायर मैट्रिसेस देखने के लिए हमें जब तक पता नहीं होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है तो हम नहीं देख सकते. तो वो डेफिनेशन हम रिकॉल कर लेते हैं कि ऐसे मैट्रिसेस जिसके अंदर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद जो है वो बराबर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. तो देखते हैं जी कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं, ढूंढते हैं मिलके कि जिनमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर है. लो जी ये है सेकंड, टू रोज थ्री कॉलम नहीं बराबर, इसमें भी नहीं बराबर. ये देखें ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें भी टू रोज टू कॉलम, इसमें भी टू रोज टू कॉलम. उसके बाद ये भी नहीं है क्योंकि इसमें थ्री रोज टू कॉलम्स हैं, ये स्क्वायर नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं है, वन रो और थ्री कॉलम्स हैं, ये भी स्क्वायर नहीं है, ये एक जो है वो कॉलम है, इसमें तीन रोज हैं और एक कॉलम है, और ये हमारे पास थ्री रोज थ्री कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसमें देखते हैं जी इसमें थ्री रोज है टू कॉलम्स है तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है. अब कौन कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स हुई जी, नंबर ए देख लेते हैं, जो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके नीचे हम ए लिख देते हैं. ये जनाब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके नीचे ए लिख दिया, ये इसके नीचे ए लिख दिया, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके नीचे ए लिख देते हैं, ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है. बस ये जो तीन मैट्रिक्स ऐसी हैं मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब बाकी कौन सी होंगी जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं है, वो वाली मैट्रिक्स है. तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना. तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं होते, तो लिहाजा सारी मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं है वो फिर क्या होंगी, रेक्टेंगुलर. तो बाकी जो सारी मैट्रिक्स बची हैं वो सारी की सारी क्या है, रेक्टेंगुलर. ये है जी बी 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 और ये बी हो, ठीक है जी, शो हो गया. अब हमने देखना है जनाब रो मैट्रिक्स, इनमें से रो मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं. रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, तो देखें जी इसके अंदर बहुत सारी रोज हैं, इसमें थ्री हैं, सारी हैं, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ये है एक ऐसी वाहिद. ये वाली मैट्रिक्स ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ एक रो है, तो लिहाजा इसके नीचे सी लिख देते हैं क्योंकि ये हमारी रो मैट्रिक्स है. उसके बाद बढ़ते हैं अगला डी पार्ट, जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स ढूंढनी है हमने. तो कॉलम मैट्रिक्स कौन कौन सी है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, तो ये देखें ये मैट्रिक्स ऐसी है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, तो लिहाजा इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, डी. और ऐसी मैट्रिक्स ये देखें, ये भी ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, लिहाजा ये डी. और इससे पहले क्योंकि ये रेक्टेंगुलर भी थी तो हमने बी इसके नीचे नहीं लिखा था, तो बी भी लिख दिया. अब देखते हैं जी कॉलम के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसके डायगनल में वन हो, ठीक है ना, सेम हो, डायगनल में वन हो. तो देखते हैं इसके डायगनल, तो ये तो बनते नहीं है डायगनल, स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किन में से होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स में से होगी. तो लिहाजा ये देखें ये मैट्रिक्स ऐसी है जिसके अंदर डायगनल में वन वन है और नॉन डायगनल एंट्रीज जो है वो जीरो है, तो लिहाजा ये हमने ई लगा दिया कि ये वाली जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. अब हमारा लास्ट है जी नल मैट्रिक्स एफ. तो नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू ना हो बल्कि जीरो हो सारे के सारे, तो ये देखेंगे हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है जो नल मैट्रिक्स है, तो लिहाजा इसके नीचे हमने क्या लिख दिया, एफ. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. अब इसके साथ ही मैं वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं, फिर वो समझ लेते हैं. नहीं जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिख हो गया है. और हियर फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस identify diagonal, scalar and unit matrices.
ये जो मैट्रिसेस दी हुई हैं अब इसमें से हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए जी, पहली मैट्रिसेस जो है वो डायगनल तो है, बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि इसके डायगनल की जो एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं और एक कम से कम नॉन जीरो होना चाहिए तो ठीक है, और नॉन डायगनल एंट्रीज जीरो हैं तो ठीक है। तो ऐसा है कि कोरोना वायरस की वजह से वो सब्जियाँ जो है वो बेची जा रही हैं ताकि लोग अपने घरों में रहें, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो ये जो है हमारे पास डायगनल तो है, ठीक है, लेकिन इसमें एक अजाफी खसूसियत है, वो क्या है, स्केलर है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो हम इसे स्केलर का नाम देंगे क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल तो है लेकिन जो इजाफी खसूसियत की होगी वो हम उसका नाम देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, डायगोनल भी है, अगर आप कहें डायगोनल फिर भी ठीक है, डायगोनल भी है और स्केलर भी है, तो हम जो इजाफी खसूसियत है वो हम इसे कह देंगे। अब जाते हैं बी मैट्रिक्स के ऊपर, ये देखें ये जो है ये डायगोनल है बस, स्केलर नहीं है क्योंकि सेम नहीं है, तो लिहाजा इसे हम बोलेंगे सिर्फ ये क्या है हमारे पास, डायगनल, ठीक हो गया, डायगनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद इस पे बढ़ते हैं, ये देखिए डायगनल है बिल्कुल है, इसकी नॉन डायगनल एंट्री जीरो है, और जो ये वाली है ये इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाने वाली लाइन, और ये स्क्वेयर मैट्रिक्स है तो सारी की सारी स्क्वेयर नहीं है, तो डायगनल होने के लिए पहले स्क्वेयर होना शर्त है, तो स्क्वेयर तो है, फिर जनाब नॉन डायगनल एंट्रीज भी जीरो हैं, और डायगनल एंट्रीज में कम से कम एक होनी चाहिए एलिमेंट, अपना जो है वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो जीरो ना हो, जिसमें तो दो दो हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो लिहाजा ये डायगनल भी है, स्केलर भी है, क्योंकि सेम एलिमेंट्स आ गए, और इजाफी खसूसियत ये है कि है भी वन, तो अगर वन आ जाए तो उसका हमने एक खास नाम रखा हुआ है, वो कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स उसे बोलते हैं, या फिर उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लिहाजा अब इसे हम क्या क्या देंगे, यूनिट मैट्रिक्स आप लिख देंगे, या इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं जी इस तरफ, ये देखते हैं स्क्वेयर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वेयर है, तो अब देखते हैं डायगनल होने के लिए क्या शर्त है, कि इस लाइन को ये जो है डायगनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो जीरो ना हो, तो इसमें बिल्कुल एक एलिमेंट है ऐसा थ्री जो कि जीरो नहीं है, और इसके अलावा जो इस डायगनल इस लाइन के अलावा जो भी एलिमेंट्स हों सारे जीरो हों, तो लिहाजा ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और इस लाइन के अंदर एक एलिमेंट है ऐसा थ्री जो के जीरो नहीं है, लिहाजा ये क्या हो गई हमारे पास, डायगनल। अब इसको हम स्केलर आइडेंटिटी नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर अगर इधर भी थ्री होता फिर ये स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, ई की तरफ। अब दिखने में ये किस तरह से लग रही है आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि निशान नहीं होना, जब ऐसा है तो इसको जस्ट हल कर लेना है, तो हम हल करके देख लेते हैं जी, 5 -3 2 0 0 1 + 1 2। तो देखें जी ये तो स्केलर बन गई क्योंकि इसमें डायगनल एलिमेंट जो है वो सेम है, तो लिहाजा ये कौन सी बन गई, स्केलर मैट्रिक्स। तो जनाब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, और अब मैं वीडियो पॉज करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हमने नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है या इसी लेक्चर को कंटिन्यू करना है, लेट्स सी। लें जी अगला क्वेश्चन भी लिख हो गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने कहा इस लेक्चर में हम इसको भी कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी डी एंड ई। बहुत आसान सवाल है, क्या करना है, जैसे आपने हमें नेगेटिव मैट्रिक्स का पता है, क्या करते थे कि मैट्रिक्स के साथ माइनस का साइन लगाते थे और उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो साइन है वो हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बस इतना सा काम है। देखिए जी ए है तो ए के साथ हम क्या लगा देंगे, इधर माइनस ए, ठीक है, और क्या किया, अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई है नंबर्स पड़े हुए हैं इंक्रीज इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स, इनका क्या कर दिया हमने, साइन चेंज कर दिया, ये 1+ का है तो क्या कर दिया -1, 0 का साइन चेंज नहीं करते, ठीक है, 0 का साइन चेंज करते हैं तो वो भी फिर 0 ही रहता है, तो लिहाजा -1 का जब साइन चेंज किया तो ये 1 हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गई, निगेटिव मैट्रिक्स आ गई किसकी, ए की। अब बी की तरफ बढ़ते हैं, तो बी का भी आपने इस तरह करना है, इससे पहले आप इधर सोल्यूशन लिख सकते हैं जी,
ठीक है, तो b में भी क्या किया, माइनस b, जस्ट साइन चेंज कर दिया, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया, प्लस के 2 है तो माइनस के 2 हो गए, प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 होगा, इस तरह से हमारी ये नेगेटिव मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से ये माइनस सी कर देंगे, ठीक है जी, और ये देखें माइनस 2, माइनस 6, माइनस 3, माइनस 2, सबके हमने साइन चेंज कर दिए, क्योंकि ये सारे प्लस के थे तो सारे क्या कर दिए हमने माइनस के। नहीं जी, ये d था तो माइनस d किस तरह से आएगा, नेगेटिव साइन इधर लगा दिया और ये माइनस 3 प्लस का 3, 2 प्लस के माइनस के हो गए, साइन चेंज हो गया, माइनस 4 का साइन चेंज किया तो 4 बन गया, नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया, 5 पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया। इसी तरीके से e के बाद माइनस लगाया और प्लस 1 माइनस 1 चेंज कर दिया, माइनस 5 को प्लस 5 में चेंज कर दिया और प्लस 2 को माइनस 2 में और प्लस 3 को माइनस 3 में, तो ये हमें नेगेटिव मैट्रिक्स मिल गई। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ और बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।